कंप्यूटर बाबा की भविष्यवाणी, नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे दोबारा प्रधानमंत्री। नमस्कार, इसके पहले 2018 में भी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार के हारने की भविष्यवाणी की थी। मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रभाव रखने वाले कंप्यूटर बाबा ने भविष्यवाणी की है कि नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा, इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी लहर नहीं दिख रही है। बीजेपी ने इस बार प्रतिक्रिया दी है कि इस ठेके पर राजनीति करने वाले ऐसे बाबाओं को अब समाज में कोई तवज्जो नहीं देता है। कंप्यूटर बाबा मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं। बाद में वो बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस के साथ आ गए थे। इसके पहले 2018 में भी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार को हारने की भविष्यवाणी की थी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह प्रचार कंप्यूटर बाबा करेंगे। बाबा ने कहा है कि दिग्विजय सिंह को साधु संतों का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है। दिग्विजय सिंह भोपाल से इस बार भारी मोहम्मद से चुनाव जीतेंगे। कंप्यूटर बाबा का दावा है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की 15 सीटों पर कांग्रेस की ओर जीत मिलेगी। उन्होंने कहा कि अगर दिग्विजय सिंह सहमत होंगे तो हम सभी संत उनके साथ नामकरण भरने के दौरान भी जाएंगे। पूरा संत समाज दिग्विजय राजा के पक्ष और सभी उनके लिए प्रचार करें। कंप्यूटर बाबा की इस भविष्यवाणी को बीजेपी ने तवज्जो नहीं दी है। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा, ठेके पर राजनीति करने वाले ऐसे बाबाओं ने केवल राजनीति के आदेशों का कवाड़ा किया है बल्कि धर्म और आध्यात्मिक परंपरा का भी बंटाधार किया है। वो देश के भविष्य के ज्ञाता नहीं बल्कि इससे खिलवाड़ करने का नाकाम प्रयास कर रहे हैं। ऐसे बाबाओं को अब समाज में कोई तवज्जो नहीं देता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।